गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम लोग हिंदी 2 में चैप्टर नंबर 3 गिल्लू कहानी पढ़ेंगे। गिल्लू एक गिलहरी के बच्चे का नाम है जिसे घायल देखकर प्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा ने अपने हाथों से उसका उपचार करके उसे नवजीवन प्रदान किया था। गिल्लू लेखिका से विशेष लगाव रखता था। इस रेखा चित्र में उसके स्वभाव एवं कार्यकलापों का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण किया गया है। गिल्लू की अंतिम विदाई का चित्रण भी अत्यंत हृदयस्पर्शीय है। इस पाठ से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम एवं सहानुभूति रखने की प्रेरणा मिलती है। इस रेखा चित्र में एक छोटे से गिलहरी के बच्चे के बारे में बताया गया है जो अपने घोंसले से गिर जाती है और गिरकर वो दो गमलों के बीच में अटक जाती है। महादेवी वर्मा अपने घर के बालकनी से ये सारी घटनाएं देख रही थी। उन्होंने देखा कि दो कौवे छोटी सी गिलहरी के बच्चे को चोंच से मार रहे थे। यह देखकर लेखिका उस गमले के करीब गई और उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को, छोटी सी जान को उठाकर अपने घर में ले आई और उसका मरहम पट्टी किया, उपचार किया और उसे नया जीवन प्रदान किया। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत अधिक लगाव था। वो अपने घर में बहुत तरह के पशु पक्षी को पाल रखी थी। गिल्लू भी उन्हीं लोगों के साथ रहा करता था। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस रेखा चित्र में गिल्लू के बारे में क्या बताया गया है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही एक फूल का नाम है। ये फूल लतादार पौधे में खिलता है और फूल का रंग पीला होता है। तो यहाँ कहा गया है सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, यानी पीले रंग की कली है जो कि खिलकर पीला फूल बनेगा। उसे देखकर अन्यास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरी तीमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। अनायास का मतलब होता है स्वाभाविक। इस सोनजूही के पौधे में पीली कली को देखकर महादेवी वर्मा को वही घटना याद आ जाती है, वह छोटी सी गिलहरी के बच्चे की, कि वह इस लता की सघन मतलब घनी हरितिमा यानी हरियाली, इस सोनजूही के हरी भरी हरितिमा यानी हरी भरी लताओं में छिपकर वह बैठते रहता था और कभी उनकी कंधों पर कूदकर पहुंच जाता था और उनको चौंका देता था। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले में चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे थे। बेटा आप सब छुआ छुई का खेल खेलते हो ना, एक दूसरे को पकड़ते हो, छूते हो। तो ये दो कौवे जो थे वो दो गमलों के बीच में जो गिलहरी की छोटी सी बच्चा गिरी हुई थी उसे वो लोग पकड़ना चाह रहे थे। तो जैसे मानो लग रहा था कि वो छुआ छुई का खेल खेल रहे हैं और वे लोग छुआ छुई का खेल नहीं खेल रहे थे। वे दोनों अपने अपने चोंचों से कोशिश कर रहे थे कि वह गिलहरी के बच्चे को पकड़ ले। तभी गमले और दीवार के बीच में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। तभी लेखिका ने देखा कि आखिर ये कौवे, दोनों कौवे क्या कर रहे हैं गमले के बीच में। उसी समय कवित्री का ध्यान उस छोटे से जीव पर पड़ा। उनकी नज़र उस छोटी सी जीव के बीच गई कि आखिर उस दोनों गमलों के बीच में क्या है। निकट जाकर देखा, निकट मतलब करीब, लेखिका करीब जाकर देखी, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, वो ये अपने घोंसले से गिर चुका था। कौवे उसे देख करके आसानी से अपना भोजन ढूंढ रहे थे। वे सोच रहे थे कि इस छोटे से गिलहरी के बच्चे को मारकर खा जाएंगे। वो आसानी से अपना भोजन ढूंढ रहे थे। दो कौवों की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। एक छोटा सा बच्चा था, उसे दो कौवे मिलकर चोंच से मार रहे थे, तो उसके लिए वो घाव बहुत ही गहरा था। लघु प्राण मतलब छोटा सा जीव। अतः वह
निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा रहा। निश्चेष्ट का मतलब होता है शांति से, एकदम चिपके से गमले से चिपका हुआ था कि कौवे उसे चोंच से ना मार सके। सब ने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। ये काम किसने किया? महादेवी वर्मा ने किया। उसे देखकर और लोगों ने कहा कि कौवे ने चोंच मारा है, ये नहीं बच पाएगा, इसे ऐसे ही यहाँ छोड़ दिया जाए। परंतु महादेवी वर्मा का मन नहीं माना, उन्होंने हौले से यानी बेटा धीरे से उठाकर उसे अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मलहम लगाया। पेंसिलिन एक प्रकार का दवा होता है जो घाव वगैरह पर लगाया जाता है, सड़े हुए घाव पर लगाया जाता है, जिससे घाव जल्दी सूख जाता है। रुई की पतली सी बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गए। जब बच्चे ने मुंह नहीं खोला तो वो फाहे से दूध की जो बूंदें थी वो उसके मुंह के दोनों तरफ से लुढ़क कर यानी साइड से बह गया। कई घंटे की उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। बहुत देर तक उपचार करने के बाद एक बूंद पानी उसके मुँह में गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसे आँखों से इधर उधर देखने लगा। तीन दिनों के बाद वह इतना अच्छा हो गया, अस्वस्थ मतलब से विश्वास हो गया कि यह अब ठीक हो गया है, और वो महादेवी वर्मा के उंगलियों को अपने नन्हे पंजों से पकड़ लिया और उसकी आंखें नीले कांच की मोती जैसी थी से वह इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसे स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगा। स्निग्ध मतलब चिकने रोएं, उसके शरीर पे बहुत सारे रोएं यानी बाल आ गए और उसकी जो पूंछ थी वो छब्बेदार यानी गुच्छे के रूप में था और उसकी आंखें चमकीली थी। फिर लोगों को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि 3-4 महीने में वो घायल गिलहरी का बच्चा इतना सुंदर हो गया है। उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया गया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। बेटा यहाँ जातिवाचक कहने का मतलब, जातिवाचक यानी पूरी गिलहरी जाति के लिए आया है, लेकिन पूरी गिलहरी जाति में एक सिर्फ गिलहरी के बच्चे को वो अपने घर में, घायल गिलहरी के बच्चे को वो अपने घर में ले आई और उसे नौ जीवन दिया, उसकी देखभाल की, उपचार की, तो इसलिए उसका नाम उन्होंने गिल्लू रखा। तो इसलिए उसको व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया गया, मतलब किसी एक विशेष गिलहरी के बच्चे के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है जिसका नाम महादेवी वर्मा ने गिल्लू रखा था। इसलिए यहाँ कहा गया है कि उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया गया है। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। महादेवी वर्मा फूल तोड़ने के लिए एक हल्की सी डलिया रखी थी जिसमें रुई बिछाकर उसे तार से अपने खिड़की में लटका दी और वही गिल्लू का घर बना। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। 2 वर्ष तक गिल्लू महादेवी वर्मा के उसी घर में उस छोटी सी डलिया में रहा करता था। वह स्वयं उसे हिलाकर अपने घर में झूलता रहता था और अपनी कांच जिस तरह चमकता है उसकी आंखें उतनी ही चमकीली सुंदर सी थी। मन के आंखों से कमरे के भीतर वह अपने मन अपनी इच्छा की आंखों से घर के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता रहता था और क्या समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। वह इतना अच्छा काम करता था, उसके क्रियाकलाप को देखकर सब लोग बहुत
खुश रहते थे। यहाँ महादेवी वर्मा तो खुश रहती ही थी और लोग भी खुश रहते थे।